गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ राजेश सरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 12 तक दैट इज़ पूरा एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है, और आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है उसका वैल्यू 1 है अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। मतलब अगर x का वैल्यू आप 0 से बड़ा लोगे तो उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा, और अगर x का वैल्यू 0 से कम लोगे तो -1 आएगा। मतलब x बड़ा है 0 से ना, तो मतलब चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, सो ऑन, x का वैल्यू 0 से बड़ा में कुछ भी ले लो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1। x का वैल्यू अगर 0 लोगे तो 0 आएगा, और x का वैल्यू 0 से कम मतलब -1 ले लो, चाहे -2 ले लो, चाहे -3, चाहे -4, एफ एक्स का वैल्यू हमेशा -1 होगा। इसी फंक्शन को हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो प्रूफ करने बोल रहा है कि ये फंक्शन नाइदर ना ही 1-1 है और ना ही 1-2 है। तो देखो हम लोग इसको किस तरीके से, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि इसको प्रूफ करना है कि या तो ये 1-1 है या तो ये ना ही ये 1-1 है और ना ही ये 1-2 है। तो देखो कैसे करेंगे, 1-1 नहीं है मतलब एक से ज़्यादा डोमेन का रेंज होगा, मतलब एक से ज़्यादा डोमेन का एक ही रेंज होगा। तो देखो क्या करो, x का वैल्यू 0 से अगर बड़ा ले, अच्छा रियल टू रियल नंबर है ना, तो डोमेन में पहले आप क्या कर लो, हमेशा जब भी आपको दे दे कि फंक्शन जो है वो रियल टू रियल नंबर है, तो डोमेन में हमेशा क्या ले लो, सारे ले लो नंबर, नेगेटिव नंबर भी ले लो, 0 भी ले लो, एज वेल एज़ पॉजिटिव नंबर भी ले लो। ठीक है, तो जब आप ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये ले लिया। अब जो चीज़ डोमेन था वही चीज़ रेंज भी था, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो चलो ये भी ले लिया। अब अगर -3 को देखें तो देखो क्लियरली यहाँ बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम में कुछ भी वैल्यू हो जाए, चाहे -1 हो जाए, चाहे -2 हो जाए, चाहे -3, चाहे -4 एंड समथिंग कुछ भी हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो -3 का भी वैल्यू -1 होगा, -2 भी तो 0 से कम है तो उसका भी वैल्यू -1 होगा, -1 का भी वैल्यू -1 होगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक से ज़्यादा लोगों का सिर्फ एक ही इमेज बन रहा, तो ये 1-1 फंक्शन तो है नहीं। अब आपको समझने वाली बात है कि ये 1-2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 1-2 तो आपको क्या दिख रहा है, एफ फंक्शन का वैल्यू या तो हमेशा सिर्फ 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो सिर्फ -1 आएगा, मतलब कुछ भी वैल्यू ले लो। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा में तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, सारे नंबर, 0 से छोटा में भी सारे नंबर हो जाएंगे डोमेन के लिए, और 0 तो ये तो सारे नंबर हो गए, लेकिन आंसर हमेशा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1, 2, 3, 4 ये सब जो है, ये सब आंसर देखो, ये सब का क्या मैपिंग हो रहा, नहीं हो रहा। तो हमने पढ़ा है कि अगर सारे का मैपिंग नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 एंड इट इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज ऑल द डोमेन आर नॉट मैप्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए सेट दे रखा है 1, 2, 3 और बी सेट दे रखा है 4, 5, 6 एंड 7। फंक्शन क्या दे रखा है, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, और फंक्शन ए से बी की ओर जा रहा है। तो प्रूफ करना है कि ये 1-1 फंक्शन है। तो हम एक अंडा बनाएंगे जहां ए का वैल्यू लिखेंगे, दूसरा एग बनाएंगे जहाँ बी का वैल्यू लिखेंगे। ए में 1, 2, 3 दे रखा है, बी में 4, 5, 6, 7 दे रखा है। 1 का दे रखा, देखो सारे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है और 3 का 6 के साथ है। तो हम 1 का 4 के साथ बनाएंगे, 2 का 5 के साथ बनाएंगे और 3 का 6 के साथ बनाएंगे, 7 का कोई भी मैपिंग नहीं है। हमें प्रूफ करना है कि ये 1-1 फंक्शन है। क्लियरली ये 1-1 फंक्शन है, क्योंकि एक डोमेन का एक ही इमेज बन रहा है। लेकिन अगर पूछता क्या ये 1-2 फंक्शन है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 का मैपिंग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में आपको देखना है कि ये 1-1 है या 1-2 है या बाइजेक्टिव है। क्यों, 1-1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, 1-2 को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 - 4x दे रखा है। अब ध्यान दो, मैंने बताया था ना, इसको तुम दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। कैसे कैसे, एक तो आप
एग वाला डायग्राम, एरो डायग्राम बना करके, या मैंने एक बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली कि चेक करो कि क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला तरीका अपना सकते हो। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अपना लो। अगर मान लो एग वाला बनाना है तो कैसे बनाओगे, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो इधर नेगेटिव नंबर ले लो, है ना, इधर आप पॉजिटिव नंबर, इधर भी रियल नंबर ले लो, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रियल टू रियल है, उसके बाद वैल्यू पुट करके देखते रहो। या सबसे अच्छा तरीका है ये वाला तरीका, 411 फंक्शन, एफ एक्स तो दिया हुआ ना 3-4x, आप एफ एक्स वन ले लो। क्या ले लो, एफ एक्स वन, मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको वैल्यू कितना पुट करना है, एक्स वन पुट करना है, तो ये 3-4x1 हो जाएगा। फिर आप एफ एक्स टू ले लो तो 3-4x2 आ जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि एफ एक्स वन को एफ एक्स टू से क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। चलो करो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3-4x1 = 3-4x2। 3 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया -4x1 = -4x2। -4 कट जाएगा, तो x1 = x2। जब भी x1 = x2 आ जाए fx1 = fx2 करने पर, तो ये आपका ऑन टू 11 फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन कैसे करेंगे 3-4x को, तो देखो ये यहाँ पर है आपका 3-4x को ऑन टू कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था ऑन टू फंक्शन करने के लिए हमेशा एफ एक्स को आपको वाई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, वाई। तो एफ एक्स को क्या पुट कर दो, वाई पुट कर दो, तो एफ एक्स की जगह वाई पुट गया। अब एक्स का वैल्यू निकालो, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये -4x इधर ले आया, तो ये 3-y हो गया, तो एक्स का वैल्यू 3-y/4 हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ जो एफ एक्स ओरिजिनल इक्वेशन होता था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर भी एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, और अगर वो इसका वैल्यू वाई आ गया तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो एफ एक्स की जगह, एक्स की जगह 3-y/4, 3-4x था तो 4 लिख दिया, और एक्स की जगह कितना आ गया 3-y/4। क्लियरली बच्चों देख सकते हो कि 4 से 4 कैंसिल हो रहा है ना, तो ये क्या बच जाएगा 3, और ये आपका बच जाएगा ये -3 हो जाएगा, और --+y, तो 3 और -3 भी कैंसिल, तो y, तो क्लियरली ऐसा करने पे y आ गया, है ना, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। तो आपको यहाँ से यही सीख मिलता है कि जब भी आपको प्रूफ करना हो कि फंक्शन जो है 11 फंक्शन है, तो आप एफ एक्स जो दिया हुआ लिख लें, एफ एक्स वन का वैल्यू माने, लेट करें एफ एक्स टू का वैल्यू लेट करें, और एफ एक्स वन को एफ एक्स टू से इक्वेट कर दो। अगर x1 = x2 आ जाए तो वो 11 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई मानेंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और जो इक्वेशन वन है उसमें एक्स की जगह पुट कर देंगे, और अगर इसका वैल्यू वाई आता है तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है कि ए और बी दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन जो है वो ए क्रॉस बी से लेकर के बी क्रॉस ए में जा रहा है, तो एक फंक्शन भी दे रखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए। प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्टिव फंक्शन, वैसा फंक्शन जो कि इंजेक्टिव भी हो सरजेक्टिव भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे में यही छूट गया है कि ये चेक करने बोल रहा था कि कौन इंजेक्टिव है, कौन सरजेक्टिव है और कौन बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए था 3-4x, तो वो 11 भी आ गया मतलब इंजेक्टिव है, ऑन टू भी आ गया मतलब वो सरजेक्टिव भी है, तो जो 11 और ऑन टू दोनों होता है उसी को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर बाइजेक्टिव है, सेकेंड नंबर आपको सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए सेम तरीके से, है ना, 7 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा था कि ए और बी दो सेट दे रखा है, और फंक्शन जो है वो जा रहा है ए क्रॉस बी से लेकर के बी क्रॉस ए, एंड ऑल्सो गिवन दैट कि फंक्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो आपको प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ध्यान दो, गिवन में क्या है कि फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, हमेशा 1-1 करने के लिए एक्स वाई था तो x1 y1 मानेंगे, एक्स रहेगा तो सिर्फ x1 x2 मानेंगे, तो ए बी है तो a1 b1 मानेंगे। तो अगर ए बी फंक्शन का वैल्यू बी ए है तो a1 b1 का क्या हो जाएगा, b1 a1 हो जाएगा, उसको इक्वेशन नंबर 1। a2 b2 का क्या हो जाएगा, b2 a2। हमेशा इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, इसको इक्वल करेंगे, LHS LHS इक्वल करेंगे तो RHS RHS भी तो इक्वल हो जाएगा, तो b1 = क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और a1 = क्या हो जाएगा, a2। जब भी ऐसा हो जाता तो ये 11 फंक्शन होता है। अब हमको क्या करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, क्या करना है, ऑन टू फंक्शन। तो ध्यान दो, जब भी तुमको ऐसा दे दे कि फंक्शन ऑफ ए बी जो है वो फंक्शन ऑफ बी ए है, तो वो हमेशा ऑन टू फंक्शन होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, सारा कोर डोमेन का मैपिंग होना चाहिए। अब देखो ए बी का वैल्यू है बी ए, मतलब 1-2 का फंक्शन का वैल्यू है 2-1, तो अगर जो जो चीज़ तुम्हारा यहाँ आएगा
वही चीज़ यहाँ भी आएगा, बस उसका ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब वन का टू के साथ, टू का वन के साथ। देयरफॉर इट इज़ क्या हो जाएगा, ये आपका ऑन टू भी हो जाएगा, है ना। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, देयरफॉर इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। इट इज़ बोर्ड के रिस्पेक्ट पे, ये आपका CBSE क्लास 12th में 2014 एंड 2017 दोनों में आस्क है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो n से n जा रहा है, डेट इज़ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, और आपको डिफाइन क्या किया हुआ है कि fn का वैल्यू, x नहीं है, n है, fn का वैल्यू है n प्लस 1/2 अगर n का वैल्यू ओड है, और fn का वैल्यू है n बाई 2 अगर n का वैल्यू इवन है। मतलब अगर n का वैल्यू ऑड लोगे, जैसे 1 लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो, तो ये वाला वैल्यू होगा, और अगर n का वैल्यू इवन लोगे, जैसे 2, 4, 6, 8, तो आपको ये वाला वैल्यू पे पुट करना है ना। तो प्रूव करना है कि ये क्या, मतलब चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, मतलब 1, 1 है कि नहीं और ऑन 2 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं व्हेन n इज़ ऑड। तो जब n ऑड हो, तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ n इज़ ऑड, टेक n इज़ इक्वल टू 1। तो ऑड के लिए क्या है, n प्लस 1/2 है, क्या है, n प्लस 1/2। तो n के जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमने 1 लिया है। तो 1 प्लस 1/2, 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। अगर n इज इवन, तो पहला इवन नंबर क्या है, 2 है, तो इवन के लिए क्या बच्चों, 2, n बाई 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू n बाई 2 की जगह 2/2, डेट इज़ 1। अब ध्यान दो, अगर मैपिंग में समझो कि 1 का भी आंसर 1 आ रहा है और 2 का भी आंसर 1 आ रहा है, तो क्या ये 1-1 फंक्शन होगा, आंसर है ये 1-1 फंक्शन कभी भी नहीं होगा। अब आते हैं कि ये ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आंसर में क्या दिखा रहा, आंसर में आपका n प्लस 1/2, डेट इज़ ऑड नंबर, n प्लस 1/2 ऑड नंबर होता है, और n बाई 2 दिखा रहा, दैट इज़ इवन नंबर। तो आंसर में ऑड नंबर भी है, आंसर किसको बोलते हैं, ये डोमेन हो गया क्वेश्चन, और ये रेंज हो गया आपका, या कोर डोमेन हो गया आंसर। आंसर में ऑड नंबर भी और इवन नंबर भी है। तो बच्चों टोटल नंबर होता क्या है नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन। तो आंसर में ऑड वाले भी नंबर आएंगे और इवन वाले नंबर भी आएंगे, देयरफॉर इट इज़ ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सारे का मैपिंग होगा, लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सारा रियल नंबर लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। बी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सारा नंबर लेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन दे रखा है ए से बी, फंक्शन दे रखा है ए से बी, और एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन 1-1 है, तो कैसे प्रूफ करेंगे 1-1 अगर आपको मैपिंग यूज नहीं करना है। तो ध्यान रखना, मैपिंग जहाँ जहाँ मैंने जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे ही बनाना है। मैपिंग का जनरली यूज कहाँ करते हैं, मैपिंग का जनरली देखो, अगर आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है तो कोशिश करो कि दोनों बना दो। दोनों का मतलब, मैपिंग तो बड़ा इजी है बनाना, बना करके दिखा दो कि हाँ एक से ज़्यादा का हो रहा है, और ये वाला स्टेटमेंट वाला भी लिख दो। इससे क्या होता है ना कि आपकी आंसर की सियोरिटी हो जाती है। एग्जामिनर, बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं जिनको मैपिंग वाला आंसर पसंद होता है, बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्चुअल आंसर अच्छा लगता है, मतलब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसा अगर कर लोगे तो गारंटीड आपके नंबर मार्क्स होंगे, मतलब आपका जो मार्क्स है वो अधर में अटका हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो करते हैं हम लोग, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है ना, तो पहले एफ एक्स 1 लिखेंगे, तो जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स 1, अच्छा एफ एक्स 2 के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स 2, और फिर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा ना, चलो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स 2 माइनस 3 से, और एक्स 2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स 1 माइनस 3 से। तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 को देखो, अभी x1 को x2 से करोगे तो x1 x2 आएगा, माइनस 2 x2 आएगा, सिमिलरली ये आ जाएगा, तो x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया, माइनस 2 x2 और माइनस 3 x1, और RHS में क्या बच गया, माइनस 3 x2 और माइनस 2 x1। अब ध्यान दो, माइनस 2 x2 इधर ही रखो और इधर को ये ले आओ, तो प्लस 3 x2 हो जाएगा, अच्छा फिर माइनस 2 एक्स 1 को इधर रखो, इसको इधर ले आओ, तो प्लस 3 एक्स 1 हो जाएगा, तो 3 एक्स 2 में 2 एक्स 2 गया तो क्या बच जाएगा, तुम्हारा एक्स 2 बच जाएगा, और माइनस 2 एक्स 1 प्लस 3 एक्स 1 क्या हो जाएगा, एक्स 1। तो हमने पढ़ा है ना कि जब भी एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 से इक्वल करे और एक्स 1 बराबर एक्स 2 आ जाए, तो ये फंक्शन हमेशा 1-1 फंक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो और 12 देखो, दोनों MCQ है। 11th में क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको MCQ अगर सॉल्व करना हो तो हमेशा एरो डायग्राम का यूज़ करके सॉल्व किया करो।
तो आपको क्या दे रखा है कि फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन या रेंज भी रियल नंबर है और fx इज इक्वल टू x का पावर 4 है। तो बोल रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है, मेनी 1 है, 1 1 2 है, नाइदर है, 1 1 और ऑन 2 दोनों है, या सिर्फ 1 1 है, या 1 1 नहीं है, ऑन 2 है, या दोनों में नहीं है, है ना, ऐसा ऑप्शन दिया हो। ध्यान दो, जब भी आपको fx इज इक्वल टू x का पावर 2 दिख जाए या fx इज इक्वल टू x का पावर 4 दिख जाए, हमेशा स्क्वायर वाला पावर दिख जाए, तो वो कभी भी 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ध्यान दो कि वेन एवर अ पॉलिनोमियल और अ नंबर हैज़ अ पावर रेज टू द इवन नंबर, जब भी पावर इवन नंबर में है तो कभी भी वो फंक्शन कैसा नहीं होता, कभी भी वो फंक्शन आपका नहीं होगा। कौन सा फंक्शन नहीं होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा। कैसा, क्यों, चलो करके देखते हैं। मान लो हाँ रियल टू रियल है ना, तो हम लोग मैं डोमेन में मान लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और रेंज में भी वही लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 है ना, अगर तुम एक्स का वैल्यू -1 लोगे तो -1 का पावर 4 क्या होगा, 1 ही आएगा। एक्स का वैल्यू +1 लो तो +1 का भी पावर 4 क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि दो गो का सेम ही इमेज है, 1-1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद और एक चीज़ देख सकते हो कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स का पावर 4 है। एक्स का पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब क्या, इवन नंबर, एक्स का पावर 4 का मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर। तो कभी भी आपका रेंज में तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, लेकिन रेंज में बोल रखा है रियल नंबर लेना है, चूँकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स का पावर, एक्स का पावर 4 में कभी भी आपका कौन सा नंबर नहीं आएगा, दैट इज़ नेगेटिव वाले नंबर नहीं आएंगे। तो अगर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे तो पूरा कोडोमेन का मैपिंग नहीं हो रहा, और अगर पूरा कोडोमेन का मैपिंग नहीं हो रहा तो ये कभी भी आपका कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नाइदर 1-1 है और नॉर ऑन टू है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 है, फिर से वही चेक करना है कि कौन 1-1 है और कौन 1-2 है, ठीक है। अब ध्यान दो, रियल टू रियल है तो फिर से वही करो, सारे डोमेन में आप ले लो -3, -2, 1, 0 सेम चीज़, रेंज में भी ले लो वही चीज़। अब देख 1-1 फंक्शन में क्या है, अगर तुम 1-1 फंक्शन में देखना चाहो तो सिंस एक्स का पावर 5 लिया हुआ है तो समझ, देखो बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 दिया हुआ है, तो मैंने अभी बताया x का पावर 5 है, इसका मतलब हुआ कि अगर तुम नेगेटिव नंबर x का वैल्यू लोगे ना तो उसका आंसर भी नेगेटिव नंबर आएगा, और अगर तुम x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर लोगे तो उसका आंसर भी पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x का पावर 5 दे रखा है। अब देखो इसमें अगर x का वैल्यू आप ले लेते हो नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो -1 लोगे तो -1 आएगा, 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 32 आएगा, मतलब यहाँ पर एक डोमेन का एक रेंज है, 1-1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल ऑन टू फंक्शन है, बोलो सर क्यों, क्योंकि देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 है, फिर से वही बात, अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव भी आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू 0 लोगे तो 0 भी आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव भी आंसर आएगा, मतलब को डोमेन का सारा एलिमेंट मैपिंग में होगा, देयरफॉर इट इज़ बोथ 1-1 एंड बोथ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, एक्सरसाइज 1.2 टोटली कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप।